Assalamualaikum, this is me Hadia Fayaz. And this is me Dua Shakir Faraja. And welcome to VBN Sports. तो आज हम बात करेंगे बाबर आजम के ऊपर. बाबर आजम के ऊपर जो इतने एलिगेशंस लग रहे हैं, एक लड़की को और आ गई, उन्होंने बाबर आजम के ऊपर एलिगेशन लगा दिए कि वो मेरे साथ गाड़ी में जा रहे हैं और मेरे साथ पिक्चर्स वगैरह उनकी उन्हें काफ़ी अपनी प्रोफाइल पे लगाई हैं. पहले एक हमीज़ा थी, वो आई थी और अब एक और लड़की आ गई हैं. लड़कियों का आना जाना लगा हुआ है बाबर आजम की ज़िंदगी में, पर ये थोड़ी फेक न्यूज़ लग रही हैं. एडिटिंग बहुत हो सकती है. एक तरफ बाबर आजम की बैटिंग पे सवाल उठा रहे हैं, परफॉर्मेंस पे उठा रहे हैं, कैप्टनसी पे उठा रहे हैं. अब दूसरी तरफ ये एक लड़की का अलग ही सीन स्टार्ट कर दिया है. तो बाबर आजम के ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर ले आने पर पर्सनल लाइफ के ऊपर भी और प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी. तो इस पर आप बताएँ क्या कमेंट्स हैं आपके. इस पर मेरे यही कमेंट्स हैं हादिया कि ये बहुत ही चीप स्टंट्स है. अगर ये फेक है तो ये बहुत ही एक चीप पब्लिसिटी स्टंट है फेम हासिल करने के लिए और बाबर आजम को जो है ना वो नीचा दिखाने के लिए, डीफेम करने के लिए. तो ये बहुत ही चीप स्टंट है अगर ये है तो. अगर नहीं भी है, अव्वल तो मुझे ये फोर्ज्ड लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि ये ज़रा फेक किस्म का है. बट अगर ये नहीं भी है तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है. वी आर नो वन टू इंटरफेयर इन टू हिज पर्सनल लाइफ. उनकी पर्सनल स्पेस है, ठीक है. लड़की ने अगर ये लीक किया सब कुछ या किसी ने भी लीक किया तो ये उनको जाहिर सी बात है पता है, क्योंकि कैप्टनसी जो है वो डेंजर के अंदर है. सब उनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये भी और चीज़ें जो है ना वो मिला के जो है ना उनको एक इकट्ठा एक पैकेज बना के ना बता रहे हैं कि बाबर आजम को ना हटाना ही हटाना. तो ये मेरे ख्याल में इस पर ना मुझे एक लाइन याद आ गया, एक गाना याद आ गया इसके ऊपर. साजिश में शामिल सारा जहां है. ऐसा ये गाना, ये लाइन मुझे ना बिल्कुल कब से मैं सोच रही थी और ये लाइन बिल्कुल फिट होती है बाबर आजम के ऊपर. ऐसे ही है ना कि लड़कियां तो इस तरह बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाबर आजम के ऊपर, पहले बाबर आजम की फैंस अलग हैं, उसके बाद इस तरह करके बाबर आजम को डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो ये बहुत ही गलत तरीके हैं, बहुत गलत हरकतें हैं. मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने बताया ईशा नाम था उनका जो तो अगर उनके साथ उनका कोई बात हुई भी है सब कुछ, लेकिन मतलब इसका क्या मतलब है कि आप लीक कर दो. अगर आप वाकई में उनसे मोहब्बत करते हो तो मतलब ये लीक करने वाला क्या सिस्टम है. करते हो तो मेरा आप पर्सनल लाइफ में ऐसा है कि क्योंकि मैं अगर बहुत चीजें एडिटेड हो सकती हैं. एडिटेड अव्वल तो ये फोर्ज्ड है मुझे लग रहा है, लेकिन सेकेंडली अगर ये सब कुछ असर है भी सही तो मतलब क्या है इसका लीक करने का. अगर आप वाकई में मोहब्बत करते हो, मैंने तो सुना है उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी अरीश बाबर आजम के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है, तो मतलब लीक क्यों किया भाई. बीबी आपने क्यों लीक किया, क्या मकसद क्या था आपका. आप भी क्या शामिल होना चाह रही कि मैं भी बाबर आजम की कुछ लगती हूँ और अपने आप को जरा वो करने के लिए ना कि मैं भी हूँ इस दुनिया में. इतना चीप पब्लिसिटी स्टंट लाइक बहुत चीप था ये, बहुत ज्यादा चीप था. बाबर आजम के लिए इस वक्त उनके करियर के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ को भी टारगेट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत हरकत है. इस पर जरूर गौर करना चाहिए लोगों को भी, और ज्यादा बाबर आजम मेरे ख्याल से बाबर आजम के सपोर्ट में लोगों को आना चाहिए, ना कि उनके अगेंस्ट. लेकिन मुझे लगता है दोनों साइड से करके, मतलब ये नहीं है कि हमें ये नहीं पता कि बाकी में ये फेक है भी सही या नहीं है. लेकिन अगर फेक नहीं भी है तो ये उनकी पर्सनल लाइफ है और किसी को भी हक नहीं पहुंचता, ना बाबर आजम को ना उस लड़की को, कि वो उनको पब्लिकली जो है ना वो रिलीज़ करे या उसको लीक करे. तो ये बहुत गलत चीज़ है जी. तो व्यूअर्स आप ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये न्यूज़ फेक है या सही है. तो आप भी इसमें ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें. और हम मिलते हैं आपसे और मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें प्लीज़. और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. अल्लाह हाफ़िज़.